हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। और चलिए चलते हैं। और जो पूरा सेटअप है ना, वो शाम को इस जगह करने के लिए सोचा है। यहाँ पे जो टेबल रखे हुए हैं ना, दो स्टडी टेबल है बच्चों के, और ये देखिए कावेंज पढ़ाई कर रहा है। तो यहाँ से इस सोफे को हटा के यहाँ पर स्पेस बनाएंगे। यहाँ पर दिखा देती हूँ मैं दूर से, ये देखिए, ये वहाँ पे लगा हुआ था, उस जगह पूरा सेट था, तो वहाँ से मैं इसको इधर ले आऊँगी। और ये जो स्टडी टेबल है ना, इस पर पूरा भगवान का वो लगाएंगे मंदिर। तो ये देखिए, थोड़ा तो मैंने सरका दिया है उसको सोफ़े को वहाँ से, और उसको मैं सोफ़े को इस जगह लगा दूँगी यहाँ पे। तो ये स्टडी टेबल है, इसको मैं उस जगह लगा दूँगी। और यहाँ पर ही जो जन्माष्टमी की सजावट करेंगे ना हम, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसका ये निकल गया है, पुट्टी वगैरह बारिश में सीम आई थी ना, तो उस वजह से निकल गई है, थोड़ा ऐसा लग रहा है। ये देखिए दिखाती हूँ मैं यहाँ पे इस कोने पे। तो चलिए मैं थोड़ा सा सरका लेती हूँ इसको, और आज जो फास्ट था तो मैंने सर भी धो लिया यहाँ पे। देखिए काफ़ी अच्छा लिया, ये हम ना होमवर्क कर रहा है स्कूल का, कोचिंग जाएगा, ठीक है ना? पाँच बजे का कोचिंग है। चलो जाओ। और काव्यांश का यहाँ पे कोचिंग का टाइम होएगा 6 बजे का। और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे झाड़ू वाड़ू सब लगा के ये दरी वगैरह फिर से लगा दिए, और ये टेबल यहाँ पे लगा रही हूँ, मतलब अच्छे से। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे लगाऊंगी, पहले मैंने इस साइड से लगा दिया, फिर मुझे ठीक नहीं लगा तो अब मैं इनको दूसरी तरह से लगाऊंगी। उससे पहले यहाँ पे नीचे एक कालीन बिछा दूंगी, जो मैं पूजा में काम में लेती हूँ वो वाला कालीन ही यहाँ पे लगा दूँगी। और जो टेबल है ना, उनके ऊपर दूसरा कुछ कवर लगाऊँगी साफ़ सुथरा। और ये देखिए, यहाँ मैंने नीचे कालीन बिछा दिया है, और इस जगह पे ये टेबल लगा दूँगी। और साथ में ये पत्ते मैंने लवी से मंगवाए थे, केल के हैं कुछ, और बहुत सारे पेड़ पौधे हैं छोटे छोटे, तो ये डेकोरेशन में मतलब झांकी बनाने में काम आ जाएंगे। तो यहाँ बना लूँगी छोटी सी झांकी। तो यहाँ मैं लाइट लगा के देख रही थी, मतलब ट्यूबलाइट जलाई थी मैंने, देख रही थी मैं कैसा साफ दिखाई पड़ता है कि नहीं पड़ता है। देखिए मैंने यहाँ पे टेबल लगा दी है, जो स्टडी टेबल है, तो यहीं पे बनाऊंगी झांकी में। और यहाँ पे ना मतलब मैंने लगा दी टेबल, उसके बाद में जाके छोटे वाले रूम में जहाँ मेरे भगवान जी का मंदिर वगैरह, तो वहाँ से जितने भगवान की मेरे पास तस्वीर हैं वो ले आऊँगी, उनको अच्छे से मतलब पोंछ के साफ करके यहाँ विराजमान कर दूँगी। और जो मेरे पास मूर्ति है विष्णु भगवान की वो ले लूँगी, और लड्डू गोपाल जी का मेरे पास है ना छोटा सा एक फ़ोटो ही है, मूर्ति नहीं है एक्चुअल में, और मेरे पास नहीं है, क्यों नहीं है उसका कारण मैं बताऊँगी आपको ज़रूर से। तो बस जो मेरे पास है वो लेकर मैंने यहाँ अच्छे से मेरे जो भी भगवान है उनकी मूर्ति सॉरी तस्वीर लगा ली है, क्योंकि बाकी सबकी तस्वीरें ही हैं, मथुरादेश जी हैं और विष्णु भगवान हैं, विष्णु भगवान की मूर्ति भी है मेरे पास, देखिए। और जैसा मुझे अच्छा लगेगा झांकी वैसा बना लूँगी मैं, क्योंकि पूरा दिन हो गया ना, और अभी 12 बजे तक और वेट करना है। और एक्चुअल में मैं ये वाला वीडियो है ना अपलोड करना ही नहीं चाह रही थी, क्योंकि आज मतलब कल भी मेरा फास्ट था, आज भी था, तो मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, तो मैंने मतलब कोई ड्रेस वगैरह चेंज नहीं करी। नॉर्मली जो घर के कपड़ों में रहती हूँ ना मैं, उन्हीं कपड़ों में थी, मतलब कोई ड्रेस वेस चेंज करने का पहले मेरा विचार था, बट इतना तेज़ मेरे सर में दर्द था, तो फिर मैंने बिल्कुल मेरी श्रद्धा ही नहीं थी कि मैं चेंज वगैरह करूँ, तो फिर मैंने नहीं करी है, यही रियल है। तो बस मैंने इसमें अपनी पूजा वूजा सब कर ली थी, घर के पुराने कपड़ों में ही कर ली थी, नए कपड़े पहले मैंने मन तो बनाया था पहनूंगी, फिर मैंने पहने नहीं है, तो इसलिए मेरा मन भी नहीं हो रहा था कि मैं इसका मतलब जो ये मैंने ब्लॉग बनाया है इसको अपलोड करूं। और देखिए यहाँ पे मैंने इनसे फूल मंगाए थे, जो ये गेंदे के फूल हैं, बट इसमें कोई गुलाब का फूल नहीं था। और उससे पहले मैंने गुलाब के फूल ढेर सारे मंगाए थे, पर वो मतलब एक दिन पहले मंगा लिए थे ना, तो पता नहीं उनको क्या हो गया, अपने आप सारे वो खिर गए, उसमें से माला में से निकल गए हैं, और पत्तियाँ पत्तियाँ उस फ्लावर की उसके अंदर रह गई हैं,
तो फिर मैंने जो था वही माला पहना दी भगवान को, और जो पत्तियाँ नीचे खिर गई थी ना थैली में, तो मैंने उनका डेकोरेशन कर दिया पूरा, वहाँ पे सजावट में लगा दिया। और यहाँ पे देखिए डेकोरेशन कर दिया मैंने, जैसा मुझे आया, जो भी मैंने जो मुझे ठीक लगा बस उतना मैंने कर दिया। और इसके बाद ये देखिए लड्डू गोपाल जी की तस्वीर है मेरे पास, और इसके बाद मैं आ जाऊँगी किचन में प्रसाद की तैयारी करने के लिए। तो किचन में मैं जाके बनाऊँगी आलू की सब्जी है, पूड़ी है, हलवा है, और पंचमेवा है, भोग का पूरा सामान। और इसमें एक्चुअल में ये हुआ कि है ना, मैंने जब वीडियो बना रही थी ना तो मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई है, और इनका मोबाइल मुझे लेना पड़ा, और इनके मोबाइल से मैंने वीडियो बनाया, पर वो पता नहीं वीडियो कहाँ मतलब डिलीट हो गई है, क्या हो गया उनके मोबाइल से, मेरे इसमें आ नहीं रहे, तो मुझे बहुत अफसोस भी हुआ। फिर मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, जो भी हुआ ठीक है, जब मैं खुद ही बोलती हूँ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो फिर वही वाली बात है। तो मैंने क्या करा, जो मेरे पास वीडियोज़ में जितने भी थे ना बस वही डाले मैंने। तो यहाँ पे मैं अब आ गई, फटाफट से किचन का सामान समेट दूँगी, उसके बाद यहाँ पे किचन में पहले मैं बच्चों के लिए कुछ बना दूँगी खाना, क्योंकि ये भी साथ के साथ खाएंगे, लेकिन इनका तो ये नहीं अपने टाइम से खा लेंगे 8 बजे तक, और मेरा तो वही 12 बजे के बाद ही खाऊंगी मैं और मेरे हस्बैंड। और उन्होंने भी फास्ट रखा है, क्योंकि वो ज़्यादा व्रत तो रख नहीं पाते, बट जन्माष्टमी का तो वो ज़रूर रखते हैं, कि मतलब साल में एक व्रत तो रखना ही चाहिए। और जेंट्स लोगों का ये होता है ना कि डेली वो काम के लिए निकलते हैं घर से बाहर, तो वो भूखे प्यासे रह नहीं सकते हैं। और मेरे हस्बैंड का भी कुछ ऐसे ही कि उन्हें भूखे प्यासे मतलब आदत नहीं रहने की ना, तो उनसे काम भी नहीं होता है, तो मैंने उनको कभी फोर्स भी नहीं करा किसी अदर फास्ट के लिए, सिर्फ ये एक फास्ट वो अपनी इच्छा से रखते हैं। और इन चीज़ों में ज़्यादा मतलब किसी को फोर्स भी नहीं करना चाहिए, जैसा मतलब जिसकी श्रद्धा हो ना वो वैसा काम कर ले, भगवान तो सब में खुश होते हैं, भगवान कभी किसी को ऐसे तकलीफ देके खुश नहीं होना चाहते हैं, ये सभी जानते हैं। तो यहाँ मैंने दोनों बच्चों के लिए फटाफट से चाय चढ़ा दी है, बस थोड़ा सा दूध ही है वो, और जब तक इन लोगों की चाय ये बॉयल हो रही है ना, तब तक मैं साथ के साथ अब थोड़ा सा काम भी करती जाऊँगी। शाम की सब्जी के लिए मैं आलू वगैरह निकालूंगी और उन्हें कट कर लूँगी, जो पुराने आलू पड़े हुए हैं ना वो मैं यूज़ करूँगी ऑलरेडी। तो बस बच्चे जब दोनों यहाँ से कोचिंग लिए निकल जाएंगे ना, तो थोड़ा मुझे रिलीफ होगा, तो तब अपना काम करूँगी। और यहाँ मैं अपने बर्तन वर्तन क्लीन कर लेती हूँ, ये कोचिंग कट गए आ भी गए हैं बच्चे दोनों। और यहाँ मैंने सब्जी वगैरह छौंक दी है, साथ के साथ में यहाँ पे पूड़ी के लिए ऑयल वगैरह भी चढ़ा दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा तेज़ गर्म हो जाता है ना पूड़ी का ऑयल, तो पूड़ियाँ बहुत अच्छी फटाफट से निकल जाती हैं करारी करारी। तो यहाँ मैं सब्जी के साथ साथ इधर पूड़ी के लिए ऑयल भी चढ़ा दिया मैंने कढ़ाई में यहाँ पर, और ऑयल थोड़ा ही था तो मैंने कहा पूरा ही कर लेते हैं, और बाद में उस डिब्बे को क्लीन भी कर लेंगे, तो दो काम हो जाएंगे, मेरा डिब्बा भी साफ़ हो जाएगा और तेल भी उसमें भी आ जाएगा। तो यहाँ मैंने साथ के साथ सब्जी भी छौंक लगा दी है, आलू टमाटर की सब्जी है, क्योंकि पूड़ी के साथ ज़्यादातर यही सब्जी अच्छी लगती है। तो बस यहाँ मैंने ढक दिया है इसको, और आलू अभी डालूँगी बाद में, क्योंकि अभी थोड़ा सा वो टमाटर पक जाते हैं ना अच्छे से, तो फिर आलू तो फटाफट ही जाते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर मैं इस डोंगे में आटा लगा लूँगी, और ये नीचे से मैंने परात निकाली ना, तो काफ़ी टाइम से रखी थी, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं, मतलब जैसे मॉर्निंग में रखी थी या नाइट को रखी होगी, तो कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा इसमें चल के निकल नहीं गया हो या कुछ डस्ट ना हो, तो मैं उसको अच्छे से किचन नैपकिन से साफ़ कर लेती हूँ, अक्सर आदत में है मेरी, मैं हर बर्तन को ऐसे कपड़ा मार लेती हूँ उसमें। यहाँ मैंने देखिए आलू इसमें ऐड कर दिए हैं, और अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके इसे कुक होने के लिए मैं ढक दूँगी, तो ये अच्छे से बन जाएगी।
और आज फास्ट है ना, तो थोड़ा सा काम भी जल्दी जल्दी हो नहीं पा रहा मेरे से, क्योंकि मेरे 3 फास्ट लगातार आ गए हैं, जैसे कि 11 का आ गया, ये जन्माष्टमी का आ गया, बच 12 का आ गया, कंटिन्यू आ जाते हैं ना, तो फिर पता नहीं थोड़ा सा ऐसा होता है ना, बॉडी में थोड़ी वीकनेस लगने लगती है, इतना काम हो नहीं पाता। और हाथ के हाथ यहाँ मैं इधर आटा लगा लूँगी ताकि फटाफट से मेरा काम और जल्दी से हो जाए, क्योंकि अभी पूजा वूजा सब बाकी पड़ी है शाम की, मतलब रात को 12 बजे करेंगे ना वो, तो खाने में भी टाइम देना है, तो यहाँ मैं फटाफट से पूड़ी की गोलियाँ बना लूँगी और बेल बेल के साथ पूड़ियाँ निकाल लूँगी क्रंची क्रंची सी। और बच्चों का खाने का टाइम हो गया है, तो वहाँ पे मतलब उधर हॉल में बैठ के वो थोड़ी देर ना टीवी देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, तो उसकी आवाज़ें आ रही है मेरे को, तो फिर मैंने कहा ठीक है थोड़ी देर देख लो। तो मतलब इन दोनों को मैं पहले मतलब पहले बच्चों को खिला पिला दूँगी, ताकि इनको नींद अगर आ रही हो तो खा पी के ही सो जाए, क्योंकि बच्चे तो इतने लेट तक जगते नहीं हैं। तो बस वही कर रही हूँ मैं, फटाफट से पहले बच्चों को खिला दूँगी। और यहाँ पे देखिए मैं सारी पूड़ियाँ निकाल लेती हूँ, और ज़्यादातर लोग मतलब कुछ लोग हैं ना वाइट पूड़ी निकालते हैं, और बट मुझे तो ऐसे ये करारी करारी सी जो ब्राउन ब्राउन सी पूड़ियाँ होती हैं ना, यही पसंद है, और ज़्यादातर सबको यही अच्छी लगती है हमारे घर में। तो जो वाइट रहती है वो थोड़ा सा मुझे अच्छी कम लगती है, थोड़ा सा मतलब कच्चेपन की फीलिंग देती है मुझे वो, इसलिए मुझे लाल अच्छी लगती है। और यहाँ मैंने देखिए आटे का हलवा ही बना लिया है, मतलब इसमें जो मेरे पास था ड्राई फ्रूट्स, काजू सॉरी काजू नहीं बादाम वगैरह डाल के। एंड मुझे नारियल का बुरा चाहिए था यहाँ पे, तो वो तो मेरे पास था नहीं, तो मेरे पास ये पूरा जो नारियल का गोला होता है ना ये था, तो फिर मैंने क्या करा, मैंने इसको ही घिस के बुरे में बुरे की जगह यूज़ कर लिया, बुरे में तो क्या मतलब बुरे की जगह मैं इसको घिस घिस के इसको यूज़ में ले लूँगी। तो मैंने यही आइडिया निकाला कि इसको ही घिस लेती हूँ, मैं लाना भूल गई थी और ध्यान भी नहीं रहा मुझे, तो ऐसे काम चलाऊँगी अभी। और ये जो गोला लाए थे ना बहुत एकदम फ्रेश ताज़ा एकदम गीला और जूसी था, मतलब कोकोनट ऑयल इसमें बहुत अच्छा भरा हुआ था, तो बहुत ही रसीला जूसी था ये। और यहाँ पे देखिए मैंने इसको कोकोनट को ग्रेट करके चीनी में मिक्स कर लिया है, और यहाँ मैंने इसका चीनी का मतलब कोकोनट का बूरा बना के प्रसादी तैयार कर लिए। मतलब मेरा ये है जब मुझे जैसा जो उपलब्ध हो मैं उसी में काम चला लेती हूँ। यहाँ ले लिए मैंने थोड़े से मखाने, और यहाँ पे मैंने पंचमेवा ले लिया है भोग के लिए, बादाम है, किशमिश है, मिश्री है, मखाने हैं, और एक चीज़ और है इसमें, हाँ तो बस इस तरह से मैंने यहाँ पे पंचमेवा रेडी कर लिया है, किशमिश मिश्री है, मखाने हैं, बादाम है, और गोला है छोटे पीस में कट करके ले लिया है, तो यहाँ मैंने कर लिया है पंचमेवा रेडी। तो बस ऐसे ही घर में से ही थोड़ा थोड़ा सामान निकाल के मैंने तैयारी कर ली है। और यहाँ पे देखिए कुछ वीडियोज़ मेरे, तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।